हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर एग्री इन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, दूर दराज के स्थानों में एजेंसी के अधिकारियों के बीच आईसीटी की कमी है तो जागरूकता की कमी है? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न है जिससे आईटीसी का प्रसार करना कठिन है हो जाता है तो जागरूकता? सी इज करेक्ट आंसर। ग्रामीण क्षेत्रों में आईटीसी पदों के कारण वाहिनी नहीं है तो गरीबी? सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईटीईएस का अर्थ है तो आईटी समक्ष सेवाएं? इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद डैश 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 नागरिकों को सहकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईटीसी के सफल उपयोग को संदर्भित करता है तो ई गवर्नेंस? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मोबाइल ऐप है जिसे किसानों को तुरंत महत्वपूर्ण जानकारी देकर उनकी सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है तो किसान सुविधा? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निबल में 8 काटने होते हैं, असत्य। निक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात सत्य है? बीज करेक्ट आंसर। एमएस एक्सेल में लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए टेस्ट डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है, ये बात झूठ है? बीज करेक्ट आंसर। संपूर्ण पाठ का चयन करने के लिए कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है? ए इज करेक्ट आंसर। स्क्रीन सेवर कंप्यूटर में हार्डवेयर है, ये बात बिल्कुल झूठ है? F5 शॉर्ट की मदद के लिए तो ये बिल्कुल ही गलत है? बी इज करेक्ट आंसर। डास बहु उपयोगिता ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी बात बिल्कुल ही झूठी है? बी इज करेक्ट आंसर। माइक्रो एमएस एक्सेल का एक हिस्सा है, ये बात बिल्कुल सत्य है? ए इज करेक्ट आंसर। स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क का एक हिस्सा है, ये बात झूठी है? मतलब बी करेक्ट, झूठा सही हो जाएगा। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को कहा जाता है तो हार्डवेयर कहा जाता है? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दों के उपयोग के बिना संचार करने में सक्षम है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सत्य है। नेटवर्क सुरक्षा में कंप्यूटर की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है तो सार्वजनिक निजी? एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क केबलिंग के उपयोग के बिना नेटवर्क परियोजन की अनुमति देता है, ये बात झूठ है? एज करेक्ट आंसर। लैन लोकल एरिया नेटवर्क के लिए खड़ा है, ए सही। एक कंप्यूटर टोपोलॉजी में एक केंद्र कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है तो स्टार? सी इज करेक्ट आंसर। मेन का अर्थ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नंबर, एज करेक्ट आंसर।
फोटोशॉप में एक लेयर को इधर उधर करने के लिए मूव टूल का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात सत्य है, ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन रैम मापन की दूसरी सबसे बड़ी इकाई है, तो बाइट, सी इज करेक्ट आंसर। रोम प्रोग्राम वे होते हैं जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में स्टोर होते हैं, तो फर्मवेयर, डी इज करेक्ट आंसर। कैश मेमोरी तो सीपीयू और रैम, सी इज करेक्ट आंसर। एनालॉग कंप्यूटर की आपूर्ति पर काम करता है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पैलेस, सी इज करेक्ट आंसर। आंतरिक हार्ड डिस्क है तो स्थिर है, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को भी कहा जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है, बी इज करेक्ट आंसर। एक सीडी में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है, तो 700 एमबी डेटा स्टोर किया जा सकता है, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीडी रोम का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम पहुंच समय है तो कैश मेमोरी की होती है, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करके हम केवल चित्र चिपका सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, टेस्ट को प्रारूपित कर सकते हैं, उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइनरी कोडेड दशमलव BCD का उपयोग करता है, तो 6-bit करता है। निम्नलिखित में से कौन एक सेकंड का 8वां भाग है, तो नैनो सेकंड, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य मेमोरी के दो प्रकार हैं, रैम रोम, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, वोलेटाइल, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेषता निर्दिष्ट करती है कि ध्वनि को कितनी बार दोहराना चाहिए, तो लूप, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं, तो रूट निर्देशिका कहते हैं, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। EPROM को का अर्थ है, तो इंटेलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के डायरेक्ट एक्सेस से सेकेंडरी स्टोरेज के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है, तो चुंबकीय डिस्क, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने का प्रभारी है ताकि वे आसानी से सुलभ हो सकें, तो भंडारण इकाई होती है, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।